चलिए, गुड आफ्टरनून ऑल। आज हम नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं और ये जो टॉपिक है ये आपके सिलेबस में ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन एक टॉपिक है, उस टॉपिक का ही हिस्सा है। ये एक थ्योरी है जिसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, हिंदी में महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। एक बहुत ही फेमस जर्मन ज्योग्राफर हुए, एक जर्मन ज्योग्राफर, जियोलॉजिस्ट और मेट्रियोलॉजिस्ट जिनका नाम अल्फ्रेड वैगनर था, अल्फ्रेड वैगनर ने ये सिद्धांत दिया था 1912 में। बेसिकली हमारा जो ओशन, हमारा जो हमारी जो दुनिया है, आपको मैंने बताया कि किस तरीके से बनी और किस तरीके से ठंडी हुई और फिर क्या क्या चेंजेस आए। फिर साथ में मैंने आपको बताया था कि पहला सुपर कॉन्टिनेंट बना जिसका नाम क्या था, रोडीनिया था। एक फिर दूसरा सुपर कॉन्टिनेंट बना जिसका नाम क्या था, पेंजिया था। पेंजिया जो हाइपोथेसिस थी वो सबसे पहले वैगनर ने ही उसके बारे में चर्चा किया था, उन्होंने डिस्कस किया था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है हम सबके सामने कि आज जो भी हमारे कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस हैं उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ और आज की स्थिति में वो कैसे पहुंचे। इस संबंध में कई सिद्धांत आए जिसमें से वैगनर का जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सेम टाइम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था वो 1912 में दिया था, 1912 में दिया था, द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स। तो 1912 में इन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स था। ये जो किताब है ये 1915 में इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले ट्रांसलेट हुई थी। इसी वजह से कई किताबों में ये जो थ्योरी है इसको लिखा रहता है कि 1915 में दी गई थी, लेकिन ये जो थ्योरी है वो ओरिजिनली 1912 में जर्मन लैंग्वेज में दी गई थी जिसका टाइटल था द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स। अल्फ्रेड वैगनर के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान भी थे और बहुत ही काबिल वैज्ञानिक थे। और इनका जो काम था वो मेट्रोलॉजी पे था और आपने अगर सुना हो पोलर रिसर्च, जो हमारे ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं उनकी जो स्टडी होती है उसे हम पोलर रिसर्च कहते हैं। तो पोलर रिसर्च में दुनिया के लीडिंग जो वैज्ञानिक थे अपने समय में थे, आज भी इनको बहुत ज्यादा साइट किया जाता है, इनको स्टडी किया जाता है। और 1930 में ये एक रिसर्च पे गए हुए थे पोल्स में, जहाँ पे एक 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 तूफान में ये फंस गए, एक बर्फीले तूफान में फंस गए और 1930 में वहां पे उनकी डेथ हो गई और इनकी बॉडी नहीं मिली। अभी भी कहते हैं कि बर्फ में कई सौ मीटर नीचे जो इनकी बॉडी है वो ठंडे जो आर्कटिक इलाके हैं उसमें दबी हुई है। अल्फ्रेड वैगनर जो है वो उनका जो काम था उससे पहले कुछ और लोग थे जिन्होंने काम किया था कॉन्टिनेंट्स एंड ओरिजिन के ओशन पे। 1920 में सबसे पहले फ्रांसिस बैकन नाम के एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने ये कहा कि अगर अटलांटिक महासागर को आप देखें तो आप पाएंगे कि अटलांटिक महासागर के दोनों तट हैं, मैं दिखाना चाहूंगा, ये देखिए बीच में क्या है आपका अटलांटिक महासागर। देखने से लगता नहीं है, आप अगर ध्यान दीजिए देखिए, जैसे ये अफ्रीका का जो ये साउथ अमेरिका का जो ये ईस्टर्न पोर्शन है इसे अगर आप चाहें तो घुमाएं और घुमा के इसमें फिट कर दें, ठीक है। देखिए नीचे वाला हिस्सा जाके ठीक इसमें फिट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली उन्होंने कहा कि ये जो हिस्सा है नॉर्दर्न अमेरिका का इसको आप यूरोप में ले जाके फिट कर सकते हैं। तो ऐसा देखने से लगता है कि आपस में ये कभी जुड़ा हुआ था और फिर क्या हो गया, टूट गया। लेकिन क्योंकि अपने इस कॉन्सेप्ट पे वो कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं दे पाए, एक्चुअली अगर एकेडमिक्स की दुनिया में आपने कोई बात कही और उस बात को आप साबित ना कर पाए तो आपकी बात को माना नहीं जाता। तो फ्रांसिस बैकन की जो बात थी वो लॉजिकली तो सही थी लेकिन वो कोई भी साइंटिफिक जो प्रूफ था वो नहीं दे पाए। फिर 1800 में अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जो कि जो मॉडर्न ज्योग्राफी है उसके फादर भी हैं, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट बहुत ही काबिल रिसर्चर थे और इन्होंने भी अपनी किताब जो इन्होंने लिखी कॉस्मोस जिसका नाम था, कॉस्मोस में उन्होंने कहा कि जैसा लगता है ऐसा लगता है कि ये जो ब्राजील वाला इलाका है इसको गुल्फ ऑफ गियाना, ये जो इलाका है इसे हम गुल्फ ऑफ गियाना कहते हैं, ब्राजील को आप गुल्फ ऑफ गियाना में फिट कर सकते हैं। इन्होंने इनफैक्ट अपनी किताब में एक डायग्राम भी बनाया जिसमें उन्होंने साउथ अमेरिका को अफ्रीका में बैठाते हुए दिखाया इन्होंने। उसके बाद जो अगले व्यक्ति थे वो एंटोनियो स्नाइडर थे। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सारे कॉन्टिनेंट्स का जुड़ा हुआ एक मैप बनाया, यानी सारे कॉन्टिनेंट्स को जोड़ा और बोला कि ये लगता है कि सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए थे। यानी एक समय था जब कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए थे और सुपर कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता था। एंटोनियो स्नाइडर के बारे में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, एंटोनियो स्नाइडर जो थी इनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी गवर्नमेंट ने यूनाइटेड किंगडम की और अमेरिका की। उनका सवाल ये था कि जो यूनाइटेड किंगडम में जो कोयले की खदानें हैं और जो आपकी एप्लेशियन यानी यूएसए में जो एप्लेशियन पर्वत श्रृंखला है उसमें पाए जाने वाले जो कोयले की खदानें हैं उनमें मिलने वाले फॉसिल्स जो हैं वो इतने सिमिलर क्यों हैं। तो एंटोनियो स्नाइडर ने स्टडी करके बताया कि एक्चुअली जब ये कोल बेल्ट डेवलप हुई थी तो यूके और जो यूएसए वो आपस में जुड़ा हुआ था, इसीलिए जो दोनों के जो फॉसिल्स हैं वो क्या हैं, सिमिलर हैं। लेकिन फ्रांसिस बैकन की तरह एंटोनियो स्नाइडर भी इस बात को साबित नहीं कर पाए कि ऐसा क्यों हुआ।
फिर 1910 में एफ बी टेलर आए, जिन्होंने सबसे पहले कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट की बात की कि कॉन्टिनेंट क्या कर रहे हैं, अपनी जगह बदल रहे हैं। इसके बाद आए हमारे वैगनर। तो बेसिकली वैगनर जो थे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक मीटरोलॉजिस्ट थे और इनके सामने एक प्रॉब्लम आई थी। वो प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि ये एक जलवायु वेता थे, इन्होंने जब स्टडी की तो इन्होंने पाया कि सेम पीस ऑफ लैंड हैव फेस डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट, यानी जमीन के एक ही टुकड़े ने विभिन्न प्रकार की जलवायु का अनुभव किया है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर अपने कॉलेज के आसपास हैं कानपुर में और आप स्टडी करें, तो आप ये पाएंगे कि आज यहाँ की जो जलवायु है वो जैसे भी है, उससे 10 लाख साल पहले, 20 लाख साल पहले या कुछ करोड़ साल पहले यहाँ की जलवायु अलग थी। हो सकता है यहाँ पे घास के मैदान थे, उससे लाखों या करोड़ों साल पहले यहाँ पे क्या हुआ करते थे, वर्षावन हुआ करते थे। उससे और पहले यहाँ पे क्या हुआ करते थे, यहाँ पे रेन फॉरेस्ट हुआ करते थे। और उससे और पहले यहाँ पे कभी ऐसा होता था कि यहाँ पे ये इलाका पूरा बर्फ से जमा हुआ है। यानी एक ही पीस ऑफ लैंड की अगर आप स्टडी करेंगे तो आप ये पाएंगे कि समय के साथ यहाँ की जो जलवायु है वो लगातार क्या होती रही, बदलती रही। तो ये देखिए, ये एक बहुत बड़ी फाइंडिंग है और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन भी है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जमीन का एक ही टुकड़ा विभिन्न प्रकार की जो जलवायु है उसका क्या करे, अनुभव करे। ये जो क्वेश्चन है ये दो पॉसिबल आंसर्स की तरफ इंडिकेट करता था वैगनर के हिसाब से। और वो दो पॉसिबल आंसर ये थे कि हो सकता है कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो क्या रहे, स्टेशनरी रहे। कॉन्टिनेंट्स क्या रहे, स्टेशनरी, यानी जो आपके महाद्वीप हैं वो अपनी जगह पे स्थिर रहे। और पूरे जियोलॉजिकल हिस्ट्री में जो आपकी क्लाइमेटिक बेल्ट्स हैं, यानी जलवायु पेटियां है, वो अपनी जगह लगातार क्या करें, बदले। देखिए आप मैप पे ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि आप इस इलाके में है, ये इक्वेटोरियल इलाका है। इक्वेटोरियल इलाके में क्या पाया जाता है, रेन फॉरेस्ट, वर्षावन। तो अगर आप इस जगह पे हैं तो यहाँ पे क्या है, वर्षावन। लेकिन क्या हो कि अगर आपकी जो जलवायु पेटी है वो खिसक जाए, मान लेते हैं कि जलवायु पेटी ऊपर की तरफ खिसक जाए, तो ये जो नीचे सब ट्रॉपिकल इलाका है, देखिए यहाँ पे नाबीब का डेजर्ट है, तो अगर ये जलवायु पेटी ऊपर खिसक जाए तो ये जो ज़ाहिरे का जंगल है ये कुछ समय में किसमें बदल जाएगा, ये रेगिस्तान में बदल जाएगा। ये जलवायु पेटी और ऊपर खिसक जाए तो नीचे की जो जलवायु आएगी वो हमारे कैसी आएगी, वो घास के मैदानों वाली आएगी, सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट आ जाएगी, तो घास के मैदान हो जाएंगे। जलवायु पेटी और ऊपर खिसके तो नीचे क्या है, बर्फ जमी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, बर्फ जम जाएगी। यानी उनका कहना था कि हो सकता है कि महाद्वीप अपनी जगह पे स्थिर रहे और जलवायु पेटियां खिसक रही हो, तो एक ही पीस ऑफ लैंड पे क्या होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है वो समय के साथ आएगी। या जो दूसरा ऑप्शन है कि जो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, या जो क्लाइमेटिक जो बेल्ट्स हैं, जलवायु पेटियां हैं, वो अपनी जगह पे स्थिर रहे और जो नीचे का महाद्वीप है वो ड्रिफ्ट करे, यानी कॉन्टिनेंट क्या करे, अपनी जगह चेंज करे। तो ये भी बात सही है, अगर कॉन्टिनेंट अपनी जगह चेंज करें, तो अगर आज यहाँ पे है तो रेन फॉरेस्ट है, कॉन्टिनेंट अगर खिसक के और ऊपर चला जाए तो ये रेन फॉरेस्ट वाला हिस्सा ऊपर चला जाएगा, फिर यहाँ पे रेन फॉरेस्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेजर्ट हो जाएगा। तो एक ही पीस ऑफ लैंड है, यहाँ पे रेन फॉरेस्ट है, जब ये इलाका खिसक के ऊपर गया तो यहाँ पे डेजर्ट हो जाएगा क्योंकि ये सब ट्रॉपिकल है, और ऊपर खिसक के गया तो सवाना पर टाइप ऑफ जलवायु हो जाएगी, घास के मैदान हो जाएंगे, और ऊपर खिसक के गया तो क्या हो जाएगा, ये बर्फीले इलाके हैं, बर्फ से जमे हुए। तो अगर महाद्वीप अपनी जगह चेंज करें तो भी जलवायु में क्या आएगा, सेम पीस ऑफ लैंड क्या फेस करेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट फेस करेगा। अब आप क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं, आपको पता है कि अगर चार क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया जिसके चार पॉसिबल आंसर्स हैं ए बी सी डी, आपको ये नहीं पता कि सही आंसर कौन सा है, लेकिन अगर आपको ये पता हो कि इसमें से तीन गलत कौन से हैं, तो चौथा जो बचा हुआ आंसर है वो अपने आप सही है, आपको पता नहीं है कि वो सही है, लेकिन क्योंकि आपको ये पता है कि ऊपर के तीन क्या है, गलत है, तो जो फोर्थ आंसर है वो अपने आप क्या होगा, सही होगा। वैगनर ने यही मेथडोलॉजी लगाई और उन्होंने बोला कि जो क्लाइमेटिक बेल्ट्स हैं ये अपनी जगह नहीं बदल सकती, क्योंकि वो किस पे संबंध, किस पे आधारित है, सूर्य और पृथ्वी का जो टिपिकल रिलेशनशिप है उस पे आधारित है। इसलिए उन्होंने माना कि जो क्लाइमेटिक बेल्ट है वो शिफ्ट नहीं करेंगी, तो उनको ये पता था कि जो पहला ऑप्शन है वो क्या है, गलत है, यानी दूसरा अपने आप क्या हो गया, सही हो गया। यानी हो ना हो हमारी जो पृथ्वी के जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो अपनी जगह क्या कर रहे होंगे, बदल रहे। ये बात अपने जमाने के हिसाब से जब उन्होंने इस बात को 1912 में कही तो एक बहुत बड़ी बात थी, इससे पहले ऐसा कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा संभव है। एक्चुअली वैगनर ने जब अपना सिद्धांत दिया तो दुनिया भर में उनका बहुत मजाक उड़ाया गया और उनकी बात को ज्यादातर जो वैज्ञानिक कम्युनिटी होती है उस कम्युनिटी ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। धीरे धीरे करके इनके जो सिद्धांत थे उसको भुला दिया गया। फिर 1950 और 60 में एक
एक फिजिक्स की एक नई ब्रांच आई जियो फिजिक्स की, जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिज्म, पैलियो मैग्नेटिज्म। और इस पैलियो मैग्नेटिज्म की जो ब्रांच थी उसने साबित किया कि नहीं, कॉन्टिनेंट्स में क्या है, मूवमेंट है। और फिर जैसे ये एस्टैब्लिश हुआ कि नहीं, कॉन्टिनेंट अपनी जगह से बदल रहे हैं, वैगनर की किताबों को फिर से खोला गया और पढ़ा गया और ये समझने की कोशिश की गई कि वैगनर क्या कहना चाहते थे। अब उसके बाद उन्होंने अपनी जो थ्योरी है उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया। उस थ्योरी में उन्होंने क्या कहा कि कार्बनिफोरस पीरियड में, जियोलॉजिकल टाइम स्केल में आप लोगों को पढ़ाया था, कार्बनिफोरस पीरियड में एक सुपर कॉन्टिनेंट था, जिस कॉन्टिनेंट का नाम क्या उन्होंने रखा, पैंजिया। और अगर एक सुपर कॉन्टिनेंट है तो जाहिर सी बात है एक ही सुपर ओशन होगा। अगर सारे कॉन्टिनेंट आपस में जुड़ जाएं तो सारे ओशन क्या हो जाएंगे, एक साथ अलग हो जाएंगे। महान महासागर था जिसको क्या कहा, पैंथलासा। अब उन्होंने कहा कि ये जो पैंजिया है इसके दो हिस्से थे, इसका एक नॉर्दर्न पार्ट था और एक सदर्न पार्ट था। पैंजिया के नॉर्दर्न पार्ट को उन्होंने कहा अंगारा लैंड और सदर्न पार्ट जो था उसे क्या कहा, गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि पैंजिया के दो हिस्से हैं, जो पैंजिया का नॉर्दर्न पार्ट है वो क्या है, ये ऊपरी हिस्सा, नॉर्दर्न पार्ट, ये पैंजिया है, इसको क्या कहा उन्होंने, अंगारा लैंड कहा। और ये जो दक्षिणी पार्ट है, ठीक है, इसे क्या कहा, गोंडवाना लैंड कहा। अब ये जो अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड है ये नॉर्दर्न पार्ट और सदर्न पार्ट है। आपका जो इसका अंगारा लैंड है इसे यूरेशिया भी कहते हैं। और उन्होंने ये कहा कि ये जो सदर्न पार्ट और ये दोनों जो है इसके बीच में क्या है, एक जियोसिंक्लाइन है। क्या है, भूसन्नति, जियोसिंक्लाइन। तो नॉर्दर्न पार्ट और सदर्न पार्ट के बीच में एक जियोसिंक्लाइन है, एक भूसन्नति है, जिसका नाम उन्होंने क्या करा, थेटिस भूसन्नति। यानी अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में क्या है, एक भूसन्नति है, जिसका नाम क्या उन्होंने रखा, थेटिस भूसन्नति रखा। भूसन्नति क्या होती है, जियोसिंक्लाइंस आर लॉन्ग नैरो वाटर डिप्रेशंस कैरेक्टराइज्ड बाय सेडिमेंटेशन एंड सब्सिडेंस। भूसन्नति क्या होती है, एक लंबी उथली जल के गर्त होते हैं जिसमें लगातार अवसादीकरण होता है और वो लगातार नीचे की तरफ धसती जाती है। जियोसिंक्लाइन क्या होता है, इसका डिटेल में हम बाद में डिस्कशन भी करेंगे। तो ये क्या है, एक नैरो शैलो वाटर डिप्रेशन है। तो उन्होंने कहा कि दो पार्ट हैं, पेंजिया के अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड और जिसके बीच में क्या है, एक थीटिस जियोसिंक्लाइन। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने स्वेज की जो परिकल्पना थी इंटीरियर ऑफ द अर्थ की, उसका सहारा लिया। आपको याद होगा स्वेज मैंने आपको पढ़ाया था, तो बताया था सियाल, सीमा और निफे। तो उन्होंने स्वेज की जो जो थ्योरी है उसका सहारा लिया और उन्होंने कहा कि जो सियाल है वो सबसे ऊपरी परत है पृथ्वी की, और जो हमारा महाद्वीप है वो किससे बना है, सियाल से बना है। तो जो महाद्वीप है वो किससे बना है, सियाल से बना है। और जो हमारे महासागरों की तली है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, सीमा की अपर बाउंड्री को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो जैसे आप मान लीजिए अगर आपके सामने बेड रखा हुआ है, ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हैं, टेबल आपके सामने है, तो जो टेबल है वो क्या है, वो सीमा, उसको आप कल्पना करिए कि वो क्या है, सीमा है। और जो आपका मोबाइल है वो मान लीजिए कि वो सियाल है, तो आपका जो मोबाइल है वो टेबल पे रखा हुआ है, तो आपका जो मोबाइल है वो महाद्वीपों को रिप्रेजेंट कर रहा है, और टेबल की जो ऊपरी बाउंड्री है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सीमा की ऊपरी बाउंड्री या सीमा की ऊपरी सीमा को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मतलब उन्होंने क्या कहा कि हमारे महाद्वीप किसके बने हुए हैं, सियाल के बने हुए हैं, और क्योंकि दोनों के घनत्व में अंतर है इसलिए जो सियाल है वो क्या कर सकता है, वो सीमा पे आसानी से फ्लोट कर सकता है। यानी वो क्या करता है, सियाल सीमा पे तैरता है क्योंकि दोनों के घनत्व में क्या है, अंतर है। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ रही होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके सिद्धांत के लिए। अब उन्होंने कहा कि हुआ क्या कि कार्बनिफोरस पीरियड में, कार्बनिफोरस युग में जो पेंजिया था वो टूटने लगा। कार्बनिफोरस पीरियड में पेंजिया क्या होने लगा, टूटने लगा। और जो पेंजिया टूटा वो दो दिशा की तरफ टूटा। पहली जो दिशा थी वो नॉर्थवर्ड थी, यानी पेंजिया किस तरफ टूटा, नॉर्थ की तरफ, जो कॉन्टिनेंट्स थे वो खिसकने लगे। और जो दूसरी डायरेक्शन थी वो किस तरफ थी, वो टूवर्ड्स वेस्ट थी। तो कार्बनिफोरस पीरियड में जो पेंजिया है वो टूटने लगा। ये जो टूटा ये दो डायरेक्शन की तरफ कॉन्टिनेंट्स मूव किए, एक नॉर्थ की तरफ और दूसरा वेस्ट की तरफ। नॉर्थ की तरफ जो कॉन्टिनेंट मूव किए उन्होंने कहा, वैगनर ने कहा कि ये जो कारण था ये अर्थ का जो रोटेशन फोर्स था, ठीक है, जिसे फोर्स ऑफ बायंसी कहते हैं। तो जब स्फीयर अगर तेजी से घूम रहा है तो उसके ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी टेंडेंसी होती है कि वो नॉर्थ की तरफ मूव करे। तो कॉन्टिनेंट्स क्या है, ऊपर के ऑब्जेक्ट हैं, तो कॉन्टिनेंट किस तरफ मूव करेंगे, नॉर्थ की तरफ मूव करेंगे, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, अर्थ की बायंसी फोर्स की वजह से।
दूसरा उन्होंने कहा कि जो वेस्ट की तरफ मूवमेंट हुआ वो किस वजह से हुआ, वो हुआ मून की वजह से। ठीक है, मून से कैसे, आप कल्पना करिए कि आपकी टेबल पे कुछ भी रखा हुआ है, मान लीजिए एक मोबाइल फोन या माउस रखा हुआ है, और ऊपर से मून जो है वो गुजर रहा है। तो मून जो है वो हमारा ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है। तो ये जो मून है वो क्या है, ये क्या करता है, पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण शक्ति डालता है। तो मून भी क्या है, एक तरीके से चुंबक है। तो जब वो पृथ्वी के ऊपर से खिसकेगा तो जो हमारे महाद्वीप हैं, क्योंकि उनमें भी आयरन और बाकी चीजों का कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो जब ये ऊपर से खिसकेगा तो महाद्वीप को भी क्या करेगा, थोड़ा सा आगे की तरफ खिसकाएगा। तो मून जैसे जैसे कॉन्टिनेंट के ऊपर से गुजरता है वो थोड़ा सा क्या करता है, शिफ्ट पैदा करता है, थोड़ा सा ड्रिफ्ट करता है, किसको, कॉन्टिनेंट को। और क्योंकि मून ईस्ट टू वेस्ट जाता है तो हमारे जो कॉन्टिनेंट भी हैं वो किसकी तरफ खिसकेंगे, वेस्ट की तरफ खिसकेंगे। ये वैसा ही अगर आपने कभी चुंबक से खेला हो, तो अगर लोहे का टुकड़ा नीचे रख दीजिए और ऊपर को थोड़ा ऊपर से अगर आप मैग्नेट को लेके जाइए, तो जिस डायरेक्शन में आप मैग्नेट को लेके जा रहे हैं, जो लोहा है वो हल्का सा उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ये ठीक इसी तरीके से काम करता है। ठीक है, यानी उन्होंने कहा कि मून का जो टाइडल फोर्स है, मून की जो ग्रेविटी है, वो क्या कर रही है, महाद्वीपों को किस डायरेक्शन में धक्का दे रही है, वेस्ट की तरफ धक्का दे रही है। अब जो कार्बोनिफोरस पीरियड है, इसमें इन दोनों बलों की वजह से हमारा जो महाद्वीप है वो टूटने लगा। कितने पार्ट में टूटा, जाहिर सी बात है दो पार्ट हैं इसके, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो उत्तरी जो पार्ट था वो अंगारा लैंड था और दक्षिणी पार्ट क्या था, गोंडवाना लैंड था। तो ये अंगारा लैंड किससे अलग हुआ, गोंडवाना लैंड से अलग हुआ। और जब अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड से अलग हुआ तो ये जो बीच का हिस्सा है इसमें क्या भर गया, पानी भर गया। और इस बीच के हिस्से को हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा, थेटिस सागर। क्या कहते हैं, थेटिस सागर। और इस घटना को क्या कहते हैं, ओपनिंग ऑफ थेटिस, थेटिस सागर का खुलना। यानी इन दो बलों की वजह से जब अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड टूटा तो बीच में क्या आ गया, थेटिस सागर आ गया। ठीक है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, थेटिस सागर के खुलने की घटना से जानते हैं। और इस तरीके से इन दोनों फोर्सेस की वजह से, देखिए ये पेंजिया है, ये टूटा अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में। अंगारा लैंड को लॉरेशिया के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में टूटा और फिर ये फर्दर टूटता चला गया। और ये क्रिटेशियस पीरियड है, देखिए क्रिटेशियस पीरियड में ये हमारी दुनिया थी और फिर आज की तारीख में ये दुनिया हमारी बनी। यानी कार्बोनिफोरस पीरियड से हमारी जो दुनिया है वो टूटती चली गई और इन दोनों बलों की वजह से, और आज की जो प्रेजेंट डे वर्ल्ड है इसका निर्माण हुआ। इस तरीके से हमारी आज की दुनिया, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस का जो फॉर्मेशन है वो हुआ। ये थी बेसिकली वैगनर का सिद्धांत। वैगनर जो थे अपने सिद्धांत पे बहुत ज्यादा मुख्य थे, वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि जो मैंने सिद्धांत दिया है ये क्या है, बिल्कुल सही है। ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट, वो इतना कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने हर एक क्वेश्चन जो उनके उनके थ्योरी के अगेंस्ट में पूछा गया उसको प्रोटेक्ट किया। उन्होंने बहुत सारे एविडेंसेस दिए, जिस एविडेंसेस में से उन्होंने साबित करने की कोशिश कही कि जो थ्योरी इन्होंने दी है वो थ्योरी क्या है, सही है। वो एविडेंसेस जो हैं, उन एविडेंसेस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो एविडेंस है उसे हम कहते हैं जिग्स ऑफ इट जो है वो एक पजल है, आप सबने खेली होगी ताजमहल वाली, ये जो है वो जिग्स ऑफ इट है। इसको सब हम हिला के आगे पीछे कर देते हैं, फिर आपको मैच करके फोटो को मिलाना होता है। ये जो पजल होती है इसे हम जिग्स ऑफ इट कहते हैं, ये जर्मन टर्म है। तो जैसे आप ताजमहल को आपस में जोड़ सकते हैं, वैसे ही आप महाद्वीपों को भी क्या कर सकते हैं, आपस में जोड़ सकते हैं। देखिए ये अफ्रीका है और ये साउथ अमेरिका है, आपने क्या किया, देखिए दोनों को जोड़ दिया। सारे कॉन्टिनेंट्स को देखिए इस तरीके से आपस में जोड़ा जा सकता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है क्योंकि कॉन्टिनेंट आपस में एक दूसरे से तोड़े हैं इसीलिए उनको आपस में जोड़ा जा सकता है। अगर कॉन्टिनेंट एक दूसरे से टूट के अलग नहीं हुए होते तो उनको उनका जोड़ा जाना क्या था, संभव नहीं था। दूसरा जो उन्होंने एविडेंस दिया उसे हम कहते हैं कार्बोनिफोरस ग्लेशिएशन। आपको याद है कार्बोनिफोरस ग्लेशिएशन के बारे में हम लोगों ने बात की थी। कार्बोनिफोरस ग्लेशिएशन में क्या हुआ था कि जो हमारे ग्लेशियर्स थे, मैंने आपको बताया था ग्लेशिएशन में क्या होता है, जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है उसकी आइस जो है वो बहुत दूर तक चली जाती है, लेकिन आमतौर पर वो इक्वेटर तक नहीं जाती है, बस जो उसका सामान्य क्षेत्र है वो बढ़ जाता है। तो जब कार्बोनिफोरस ग्लेशिएशन आई तो देखिए उस टाइम हमारी दुनिया की सेटिंग ये बड़ी वाली जो इमेज देख रहे हैं आप, ये थी, इस तरीके से था। तो इतना बड़ा जो एरिया था वो पूरा ग्लेशियर्स में प्रभावित था। देखिए इंडिया का साउथ जो पार्ट है वो भी कार्बोनिफोरस ग्लेशिएशन से क्या है, प्रभावित है। फिर बाद में दुनिया टूटी और देखिए ग्लेशियर्स वाला जगह यहाँ यहाँ और यहाँ पहुंच गए। बहुत इंटरेस्टिंग बात है और आने वाले समय में आप पढ़ेंगे कि हर एक जो एजेंट ऑफ इरोजन्स हैं जैसे ग्लेशियर, ये अपनी स्थलाकृति बनाते हैं। जैसे एक स्थलाकृति है यू आकार की घाटी होती है, और भी बहुत सारी स्थलाकृतियां होती हैं। ये केवल और केवल कौन बनाएगा, ग्लेशियर्स बनाएंगे।
अगर वो घाटी हमें साउथ इंडिया में मिलती है तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी ना कभी साउथ इंडिया कहाँ था, बर्फीले क्षेत्र से घिरा हुआ था। तो जो प्री कैम्ब्रियन ग्लेशिएशन है उसके जो इम्प्रिंट्स हैं, उसके जो निशान हैं, वो साउथ अमेरिका में, यहाँ अफ्रीका में, यहाँ इंडिया में, यहाँ और ऑस्ट्रेलिया में यहाँ मिलते हैं। ये इंडिकेट करता है कि कभी ना कभी ये सारे इलाके नीचे थे साउथ हेमिस्फेयर के आसपास, जब प्री कैम्ब्रिएशन जब कार्बोनिफोरस ग्लेशिएशन आया था। तो इस तरीके से ये साबित होता है कि कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से टूटे हैं। तीसरा जो एविडेंस है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एविडेंस है, और ये इतना इंटरेस्टिंग एविडेंस है कि इस पे कुछ मूवीज वगैरह भी बनी है। इसे कहते हैं लेमिंग्स। लेमिंग्स जो होते हैं, ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये सुंदर सा जानवर है, ये चूहे की तरह होता है, छोटे से आकार का। ये लेमिंग्स जो है वो स्कैंडिनेविया में पाए जाते हैं। देखिए ये यूरोप का डायग्राम है, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये लेमिंग्स पाए जाते हैं। इन लेमिंग्स की जो पॉपुलेशन है वो क्रिटिकल अमाउंट से जब बढ़ती है तो ये लेमिंग्स क्या करते हैं, वेस्टवर्ड माइग्रेशन करते हैं, यानी पश्चिम दिशा में प्रवास शुरू करते हैं। ये प्रवास करते चले जाते हैं और आखिर में आके जो आपका नॉर्दर्न सी है ये पड़ता है, जमीन खत्म हो जाती है और नॉर्दर्न सी शुरू हो जाता है। इनको अंदाजा नहीं लगता कि अब आगे क्या करना है, आगे कैसे जाना है। ये सारे के सारे नॉर्दर्न सी में जंप कर लेते हैं और आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, इस उम्मीद में कि आगे क्या होगा, जमीन होगी। अनफॉर्चुनेटली आगे जमीन नहीं होती और थोड़ी देर ही तैरने के बाद इन सबकी डेथ हो जाती है। इस घटना को सुसाइड ऑफ लेमिंग्स कहा जाता है। अब इस घटना का वैगनर ने इस्तेमाल ऐसे किया कि उन्होंने बताया कि कभी स्कैंडिनेविया से ये कॉन्टिनेंट जो है ग्रीनलैंड के, ये आपस में जुड़े हुए थे। तो लेमिंग्स जो थे वो वेस्टवर्ड माइग्रेट करते थे और माइग्रेट करने के बाद इनके एक इलाका था जहां इनको खाना मिलता था। अगर आपको पता हो तो जानवर जो होते हैं, ज्यादातर जो जानवर होते हैं वो माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। उनको पता होता है कि जो पानी है और जो खाना है वो कहाँ मिलेगा, तो जब एक जगह पे खाना पानी खत्म हो जाता है तो दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं। हाथियों में ये टेंडेंसी जो है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है, एलिफेंट्स में, वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। उनको पता होता है कि जो अगला जो खाना और पानी की जगह है वो कहाँ है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये जो नॉलेज है ये हेरिडिटरी ट्रांसफर भी होती है एक जानवर से दूसरे जानवर में, ठीक है। यानी जो उनके ऑफस्प्रिंग्स हैं उनको पता होता है कि अगर खाना खत्म हो जाए तो हमें किस डायरेक्शन में माइग्रेट करना है। अब होता क्या है कि अब बीच में क्या आ गया, ओशन आ गया। ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा वैगनर कह रहे हैं, अब ये साबित नहीं हुआ। तो बीच में क्या आ गया, ओशन आ गया। तो ये जो लेमिंग्स है ये माइग्रेट करते हैं, सामने ओशन पड़ता है, उनको पता ही नहीं होता है करना क्या है, वो सारे जंप करते हैं ओशन में और वो क्या करते हैं, मारे जाते हैं। ये देखिए, ये एक वीडियो है, ब्रिटानिका पे पड़ा हुआ है और आपको जान के ताजुब होगा कि इस वीडियो को ऑस्कर अवार्ड भी, इस वीडियो को, इस डॉक्यूमेंट्री को मिला है। ये डॉक्यूमेंट्री बेसिकली लेमिंग्स की जो सोसाइटी घटना है उसको दिखा रही है। देखिए, तो ये आपके सारे लेमिंग्स हैं, ये ब्लैक एंड व्हाइट है और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये समुद्र के किनारे जमा हो जाते हैं, जब संख्या बहुत बढ़ जाती है तो एक पैनिक रिएक्शन होता है और ये सारे पानी में कूद जाते हैं। छोटी नदियां अगर आती हैं तो ये क्रॉस करके उसे चले जाते हैं और फाइनली जो है वो समुद्र आता है और ये समुद्र से क्या करते हैं, कूद जाते हैं, ठीक है। देखिये क्लिप से सारे कूद रहे हैं और ये नीचे पानी है और कुछ देर तैरते हैं और कुछ देर तैरने के बाद इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है डूबने से। तो इस तरीके से जो लेमिंग्स की घटना है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वैगनर ने इन घटना को इस्तेमाल किया जो अपनी थ्योरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की उसको एक्सप्लेन करने। चलिए, उसके बाद जो उन्होंने एविडेंस दिया उसे कहते हैं फॉसिल और वेजिटेशन का एविडेंस। अब अफ्रीका के जो इस तट में जो फॉसिल्स और वेजिटेशन पाई जाती है वही फॉसिल और वेजिटेशन साउथ अमेरिका के इस तट में भी पाई जाती है। जो यहाँ पाई जाती है वो यहाँ पाई जाती है, जो अफ्रीका के इस हिस्से में है पूर्वी वो इंडिया के साउदर्न टिप में पाई जाती है और अंटार्कटिका के नॉर्थ में पाई जाती है और ऑस्ट्रेलिया में इस जगह पाई जाती है, ठीक है। जाहिर सी बात है सेम फॉसिल और सेम वेजिटेशन जो है वो तभी पाई जाएगी जब आपस में कॉन्टिनेंट्स क्या हो, जुड़े हुए हैं। एक्चुअली जब 1859 में एक बहुत फेमस थ्योरी आई एवोल्यूशन की चार्ल्स डार्विन की, तो चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी थी उन्होंने जब एवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये था कि वो जीव जो इंडिया में मिलते हैं और वो प्लांट जो इंडिया में मिलते हैं वो ऑस्ट्रेलिया कैसे पहुंच गए। भाई जाहिर सी बात है प्लांट और जीव जो है वो इंडियन ओशन तैर करके तो ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे नहीं,
ठीक है, या जो जो जीव नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में है वो अफ्रीका और यूरोप में कैसे पहुंच गए जबकि बीच में अटलांटिक महासागर है। इसका सबसे आसान जवाब जो था वो ये था कि जब ये जीव विकसित किए थे तो जो कॉन्टिनेंट्स थे आपस में क्या थे, मिले थे। तो ये जो सारे जीव हैं वो एक जगह से दूसरी जगह क्या कर गए, ट्रांसफर, वो एक जगह से दूसरी जगह चले गए। लेकिन इस सिद्धांत को बहुत लंबे समय तक इग्नोर किया गया। इनफैक्ट जो डार्विन का सिद्धांत है जबकि वो उसे साबित कर रहा था उसके बावजूद भी, कारण ये था कि किसी की भी ये कल्पना करना, किसी भी वैज्ञानिक का ये कल्पना करना कि इतने विशाल महाद्वीप क्या खिसक सकते हैं, ये मतलब सबकी समझ के बाहर थी ये बात, इस बात को मानने को कोई भी तैयार नहीं था। चलिए, उसके अलावा ये एविडेंसेस थे। इसके अलावा वैगनर से कुछ सवाल पूछे गए और वैगनर से कुछ लोगों ने सवाल पूछा कि ये बताइए कि जो आपके माउंटेन्स हैं, पर्वत हैं, इसका निर्माण कैसे हुआ। तो वैगनर ने इसके जवाब में ये कहा कि जो सियाल है वो क्या करता है, सीमा के ऊपर बिना किसी गतिरोध के क्या करता है, मूवमेंट करता है। लेकिन अगर किसी मान लीजिए कि ये जो है वो आपका सीमा की ऊपरी सीमा है, ये अवरोध है और जो सियाल है इसके ऊपर गति करके आ रहा है, जैसे ही सियाल इस गतिरोध से टकराएगा, इससे फ्रिक्शन होगा, इस महाद्वीप का जो अगला हिस्सा है वो क्या हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा। ऐसे ही होगा ना, अगर आप चादर पे आप कोई वो रख दीजिए, अवरोध रख दीजिए और उसको आगे की तरफ अवरोध की तरफ धक्का दीजिए तो चादर में क्या पड़ जाएंगे, फोल्ड्स पड़ जाएंगे। क्योंकि हमारे जो महाद्वीप हैं ये इनका नेचर सॉफ्ट है, आपको देखने से हार्ड लगेगा लेकिन ग्लोबल स्केल पे, अर्थ के स्केल पे इनका नेचर क्या है, सॉफ्ट है। तो जब जब महाद्वीप आगे की तरफ बढ़ते हैं, किसी अवरोध से टकराते हैं, तो जैसे ही अब वो अवरोध से टकराएंगे उनका अगला हिस्सा क्या हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा और फोल्ड होकर क्या बनेगा, माउंटेन बनेगा। तो वैगनर ने कहा कि सीमा और सियाल के बीच में जब अवरोध आता है तो किसका निर्माण होता है, पर्वतों का निर्माण होता है। दूसरा सवाल उनसे पूछा गया था कि ये बताइए कि आइलैंड आर्क जो होते हैं, देखिए महाद्वीपीय चाप, आइलैंड आर्क का निर्माण कैसे होता है। आइलैंड आर्क अगर आपने देखा हो, अंडमान निकोबार, ठीक है, बिल्कुल ना आर्क शेप का होता है तलवार के जैसे, ठीक है, चांद की तरह। तो जो आइलैंड आर्क होते हैं, जैसे जापान भी क्या है, आइलैंड आर्क है, फिलीपींस भी क्या है, आइलैंड आर्क है, अंडमान निकोबार आइलैंड आर्क है, करीबियन सागर में बहुत सारे आइलैंड आर्क हैं। तो वैगनर से ये पूछा गया कि आइलैंड आर्क का निर्माण कैसे हुआ। तो वैगनर ने उसके सवाल के जवाब में दिया कि जब कॉन्टिनेंट्स माइग्रेट कर रहे थे, प्रवास कर रहे थे ना, यही तो हो रहा है, कॉन्टिनेंट क्या कर रहे हैं, अपनी जगह से शिफ्ट हो रहे हैं। जब कॉन्टिनेंट्स अपनी जगह से शिफ्ट हो रहे थे तो कॉन्टिनेंट्स के वो पिछले हिस्से जो इस मूवमेंट का साथ नहीं दे पाए वो पीछे छूट गए और इनके पीछे छूटने से क्या बना, हमारा आइलैंड आर्क्स बना। अगर आपने देखा हो जब जब जानवर माइग्रेट करते हैं, जब भेड़ माइग्रेट करती है, ठीक है, या विल्डर बीस माइग्रेट करते हैं, तो वो भेड़ या वो विल्डर बीस जो बूढ़े हैं या जो बच्चे हैं या जो बीमार हैं वो हमेशा क्या होते हैं, झुंड के पीछे हिस्से में छूट जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही उन्होंने कहा कि वो हिस्से कॉन्टिनेंट के, वो कॉन्टिनेंट के वो किनारे, पिछले किनारे जो पूरे माइग्रेशन का साथ नहीं दे पाए वो पीछे छूट गए और इनके छूटने से क्या बने, आइलैंड आर्क्स बने। याद रखिएगा ये दोनों ही लॉजिक गलत हैं, जो दोनों आंसर वैगनर ने दिया वो क्या है, गलत है। अगर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये क्या है, गलत है। वैगनर ने ज्यादातर जो बातें कही वो आज साइंटिफिकली आप उनको प्रूफ नहीं कर सकते, लेकिन याद रखिएगा वैगनर का इंपॉर्टेंस ये है कि जो उनका बेसिक कॉन्सेप्ट है, आधारभूत जो उनका विचार है वो बिल्कुल सही है कि कॉन्टिनेंट्स में क्या है, माइग्रेशन है, कुछ ना कुछ हिल जरूर रहा है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आधार इन्होंने दिया आने वाले वैज्ञानिकों को जो पीढ़ी थी उनको कि किस तरीके से वो आगे चल के थ्योरी डेवलप करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो एक अगला वर्जन है किसका, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का, जिसने उन सारी कमियों को दूर किया जो वैगनर के सिद्धांत में थी। इस तरीके से वैगनर का सिद्धांत खत्म हुआ और वैगनर के सिद्धांत के बारे में कुछ आलोचनाएं हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो जो आलोचना है, जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आलोचना है कि क्रिटिसिज्म है कि अगर मून की जो जो टाइडल फोर्स है, ग्रेविटी है, वो इतनी ज्यादा होती कि वो कॉन्टिनेंट को खिसका पाती, तो कुछ मैथमेटिशियंस ने कैलकुलेट किया कि हमारे पृथ्वी की जो रोटेशन है, घूर्णन है, वो एक साल के अंदर रुक जाता। भाई जाहिर सी बात है जब मैग्नेट बहुत तेजी से बल डाल रहा है पृथ्वी पे, इतना बल डाल रहा है कि वो जो हमारा जो कॉन्टिनेंट को खिसका दे, तो अर्थ का जो रोटेशन है वो उस पर भी प्रभाव डालेगा और उस कुछ ही समय में पृथ्वी का जो रोटेशन है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दूसरा जो क्रिटिसिज्म था वो ये था कि पहले उन्होंने कहा था कि सियाल सीमा क्या होता है, बिना किसी रेसिस्टेंस के एक दूसरे के ऊपर गति करते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, रेजिस्टेंस आता है और जब रेजिस्टेंस आता है
तो माउंटेन्स बनते हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट, यानी पहले आपने कुछ कहा और बाद में जब आपसे सवाल पूछा गया तो आपने क्या कर लिया, आपने स्टेटमेंट को बदल लिया। तो दोनों जो स्टेटमेंट हैं वो क्या है, कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, जो कि एक इसका क्रिटिसिज्म है, विरोधाभास है उसमें। तीसरा जो जिग्स ऑफ फिट के बारे में जो उन्होंने बताया, जिग्स ऑफ फिट एक्चुअली 100% एप्लीकेबल नहीं है। जिग्स ऑफ फिट में अगर आप बैठाएंगे तो 50 से 400 किलोमीटर का जो गैप है वो कॉन्टिनेंट के बीच में बच जाता है। हालांकि मैं इस क्रिटिसिज्म से सहमत नहीं हूं, क्योंकि करोड़ों साल के जो ओशन के इरोजन है हमारे सी वेव्स के, उस इरोजन के बाद कॉन्टिनेंट्स को बिल्कुल ठीक ठीक बैठाना जो है वो असंभव जैसा है। लेकिन अगर वो ओवरऑल बैठ रहे हैं तो मुझे लगता है उसे माना जाना चाहिए, लेकिन फिर भी इसे बहुत सारे लोग इसे इसका एक क्रिटिसिज्म मानते हैं। अब इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जो सवाल बीच में किसी स्टूडेंट ने किया था कि पेंजिया जो है वो कार्बनिफोरस पीरियड में ही क्यों टूटा, बूंद तो हमेशा से था और हमारी पृथ्वी का जो रोटेशन है वो भी हमेशा से था, तो पेंजिया जो है वो कार्बनिफोरस पीरियड में ही क्यों टूटा, उससे पहले क्यों नहीं टूटा, जबकि कार्बनिफोरस पीरियड जो है उसका समय बहुत कम है, कॉन्टिनेंट जो है उससे बहुत पहले क्या हो गए, बन गए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म था इसका कि वो कौन से फोर्सेस थे जिसकी वजह से जो पेंजिया है वो कार्बनिफोरस पीरियड का इंतजार किया और उसने और कार्बनिफोरस पीरियड में टूटना शुरू किया। बाद में हमें पता चला कि सुपर कॉन्टिनेंट्स अर्थ में क्या होते हैं, बनते और बिगड़ते रहते हैं, और पेंजिया जैसा कि मैंने आपको पहला भी बताया था, पेंजिया क्या है, इज अ सेकंड सुपर कॉन्टिनेंट। पहला सुपर कॉन्टिनेंट कौन सा था, रोडिनिया था, यानी रोडिनिया टूटा, पूरे दुनिया के हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं अलग अलग वो बने, और फिर दोबारा जो कॉन्टिनेंट्स है वो आपस में जुड़े। जब दोबारा कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े तो उसे हमने क्या कहा, पेंजिया का। फिर से पेंजिया टूटा और आज की जो दुनिया है वो बनी। आने वाले समय में ये जो सारे कॉन्टिनेंट्स हैं ये और खिसकेंगे और फिर से जाके एक तीसरे सुपर कॉन्टिनेंट जो है उसका निर्माण करेंगे। तो इस तरीके से ये भी एक इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म है कि कार्बनिफोरस पीरियड से पहले, मतलब वैगनर के सिद्धांत में कार्बनिफोरस पीरियड से पहले जो पेंजिया था वो किस बल से स्थिर था। चलिए ये लेक्चर था आज का, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है। याद रखिएगा किसी भी सिद्धांत में इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कितनी गलतियां की, इंपॉर्टेंट ये है कि जो सिद्धांत का जो बेसिक कोर कंपोनेंट है वो सही है कि नहीं है, क्योंकि हर एक वैज्ञानिक जो खोज है वो एक अगली वैज्ञानिक खोज जो है उसे प्रोत्साहित करती है। तो वैगनर की जो सोच है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, उन्होंने जिस तरीके से इसकी स्टडी की, जिस तरीके से उन्होंने क्लाइमेट के साथ रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश किया अर्थ की जियोमॉर्फोलॉजी और जियोलॉजी का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट।